मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के नजदीक निर्माणाधीन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना का किया दौरा। इस परियोजना का कार्य जून 2021 तक पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। केलंग में कड़ी ठंड के बीच स्कूली बच्चों ने लोगों को कोरोना संक्रमण से जागरूक करने के लिए निकाली रैली। उचित दूरी, मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने के लिए किया प्रेरित। केंद्र सरकार ने हिमाचल में जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों को सराहा। वर्ष 2022 तक सभी घरों को नल से मिलेगा जल। देश की राजधानी दिल्ली के लिए प्रदेश से बस सेवाएं हुई शुरू। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने कहा, फिलहाल 21 रूटों पर दिल्ली के लिए बहाल की गई हैं ये बस सेवाएं। प्रदेश भाजपा ने महाराष्ट्र में रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी की आलोचना की। भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा, कांग्रेस के इशारे पर काम कर रही है महाराष्ट्र सरकार। आपदा से निपटने के लिए चंबा में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न। पुलिस, होमगार्ड व अग्निशमन के कर्मचारियों को दी गई आपदा से निपटने की नवीनतम तकनीक जानकारी। जनजातीय जिला किन्नौर में चिलगोजे का सीजन इन दिनों चरम पर। किसानों को चिलगोजे के बेहतर दाम न मिलने पर निराशा लग रही है हाथ। पति की लंबी आयु की कामना का त्यौहार करवा चौथ प्रदेश भर में मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ। बाजारों में दिखी रौनक, त्यौहार को खास बनाने के उद्देश्य से कई प्रतियोगिताएं आयोजित।